किया था नारे का वादा जो भीम साहब से मीम साहब ने। हमें यकीन है कि एक दिन इस नारे में भीम ना होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से चली हुई कवायद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हर जगह पहुंचती जा रही है और जल्दी ही आपके शहर में भी पहुंचकर मानेगी, आपके घर में भी ये पहुंच के मानेगी। यूपी के नूरपुर में हिंदुओं के घरों के बाहर लिखा हुआ है, ये घर बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि नूरपुर में आप बिना इजाजत शादी नहीं कर सकते। तो मीडिया की नजरों से दूर इस खबर के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे जय भीम जय मीम के नारे का, और देखेंगे कि क्या है इसकी सच्चाई। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी शुरू करते हैं नूरपुर से, जो कि यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है। और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 43% है, हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 55% है। और अगर हम बात करें अलीगढ़ की तो यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ पर बात बात पर ढपली लेकर राइट्स मांगने की कवायद चलती आ रही है, जहाँ पर हिंदुत्व की कब्र खोदने की बात चलती आती है, और यहाँ पर बात बात पर आज़ादी भी मांगी जाती है। अगर हम नूरपुर गांव की स्पेसिफिक डेमोग्राफी की बात करें तो यहां पर करीबन 1000 परिवार रहते हैं, और इन 1000 परिवारों में से 800 परिवार करीबन मुसलमानों के हैं, 125 परिवार जो हैं वो हिंदुओं के हैं, और ये जो हिंदुओं के परिवार हैं इनमें से मैक्सिमम हिंदू परिवार जो हैं वो जाटव हैं, यानी कि आप इनको दलित कह सकते हैं। वैसे तो यूपी के नूरपुर में मामला कई साल पहले ही शुरू हो गया था, मगर ये सामने तब आया जब ओम प्रकाश की बेटी की शादी हो रही थी और मुसलमानों ने उनकी शादी के प्रोसेशन पर पथराव कर दिया। पुलिस में कंप्लेंट लिखाई गई और उसके बाद चार नाम, फरुख, अकबर, सोहेल और सरफू, इनके सामने आए और कहा गया कि इन्होंने पूरी भीड़ को प्रोवोक किया था। गांव कौन सा है? गांव नूरपुर है। अच्छा, क्या मामला था पूरा? सर, 5-6 सालों से हमारे बरातों, बहन बेटियों की बरात आती है तो ये मुस्लिम मोमडन है, हर बार झगड़ा करते हैं, हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमारे पास साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। हमने कई बार फैसला भी करा हुआ है इनसे, फिर भी ये आश्वासन दिलवा देते हैं, फिर ये लोग जो बड़े लोग हैं वो फिर बच्चों को आगे कर देते हैं ये अपने, इनको तो हमको मारवाते हैं, पिटवाते हैं। क्या चाहते हो आप सरकार से? सर, हम यही फैसला चाहते हैं योगी सरकार से कि हमारे साथ न्याय मिले। गांव वालों का कहना है कि गांव की जो लड़कियां हैं उनको भद्दे भद्दे कमेंट्स झेलने पड़ते हैं गांव की मेजॉरिटी समाज से, या फिर कहें देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी से। और साथ ही साथ गांव वालों का कहना ये भी है कि पिछले 5-6 सालों से लगातार शादियों के प्रोसेशन को रोक लिया जाता है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है और वो बहुत दिक्कत में हैं। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश के ऊपर भी एक FIR दर्ज करा दी गई गांव की मेजॉरिटी समाज के द्वारा, और उनका कहना ये है कि DJ बज रहा था शादी में और नमाज में प्रॉब्लम आई तो हमने प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। नूरपुर के बहुत सारे घरों के बाहर लिखा हुआ है ये घर बिकाऊ है, और वजह केवल एक, एट्रोसिटीज। वीडियो में देखिए। हाँ, पुलिस का कहना ये जरूर है कि मामला कंट्रोल में है और कोई भी गांव को छोड़कर बाहर नहीं जा रहा है, मगर दूसरी ओर AIMIM के, यानी कि ओवेसी की पार्टी के यूपी के नेता, इस गांव के आसपास के नेता जो हैं वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई नमाज तो होगी लेकिन शादियों के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्हें भी कह देना चाहता हूँ कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब। अब इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि इस गांव में केवल 125 परिवार हैं हिंदुओं के, जिनमें से मेजॉरिटी जाटव हैं यानी कि दलित हैं, और उन्हीं के ऊपर इस तरीके की एट्रोसिटीज हैं। तो याद आ जाता है ओवैसी का संसद में दिया गया वो जय भीम जय मीम का नारा। जय भीम जय मीम, तकबीर अल्लाहु अकबर। नूरपुर के दलितों पर हुई इस एट्रोसिटी के ऊपर भीम आर्मी चुप है। क्यों? क्योंकि एक धर्म विशेष ने एट्रोसिटी की, ये काफी कूल है ब्रो। वहीं दूसरी ओर अब से थोड़े समय पहले दिल्ली के सराय काले खां में एक दलित लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करता है और उसके बाद दलितों की पूरी बस्ती को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि लड़का कन्वर्ट नहीं हो रहा था।
और बीमार भी इस पर भी चुप थी। वहीं उसके बाद पुरुनिया बिहार में दलितों की एक पूरी बस्ती को जला दिया जाता है और उस पर भी भीम आर्मी चुप रहती है। काफी ज्यादा कूल है ब्रो। 24 मार्च को बिहार के पुरुनिया में शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को मारा गया, बस्तियों को शांतिपूर्ण आग से जला दिया गया और उसके बाद भी मीडिया ने शांति ही बनाई रखी। ये काफी कूल है ब्रो। 18 जून 2020 13 दलितों को मारा गया, बहुत बुरी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मारा गया और ये शांतिपूर्ण तरीके से इतना ज्यादा मारा गया कि मीडिया ने भी शांति ही बनाई रखी। 11 जून 2020 सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के कुछ लड़के लड़कियां छेड़ रहे थे। वैसे तो भाई यहाँ पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता है इन लोगों के द्वारा, लड़का लड़की बकरा बकरी गाय भैंस सभी के साथ इक्वली छेड़ाछाड़ी की जाती है, कोई भेदभाव नहीं है। अब जब ये लड़की छेड़ रहे थे तो दलितों के कुछ लड़के इनको रोकने आ गए और उसके बाद दलित लड़कों को इतना ज्यादा पीटा गया मगर इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि शांति बनी रहे। 14 जून 2020 जय भीम जय मीम बोलकर दलितों की एक बस्ती को आग के हवाले कर दिया। आग काफी सेक्युलर थी और दलितों की बस्ती धू धू करके जल रही थी और कहा जा रहा था जय भीम की तपिश ऐसे ही बढ़ेगी। 13 जुलाई 2019 फैसला लिया जाता है कि दलितों के कोई भी मुसलमान बाल नहीं काटेगा। सही बात है, अपनों का भला कौन काटता है। जून 2019 बहन को छेड़ रहे थे सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के कुछ लोग, भाई से देखा नहीं गया, भाई ने रोकने की कोशिश की तो भाई को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, भाई बहन दलित थे। जून 2019 बेगूसराय महादलित परिवार की दो औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया गया सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के द्वारा और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि शांति बनी रहे, मीडिया ने भी शांति बनाई रखी। 21 अगस्त 2018 दलित लड़का मुस्लिम लड़की, लड़का कन्वर्ट नहीं हुआ तो लड़के को मार दिया गया मगर शांतिपूर्ण तरीके से। जनवरी 2018 दलित लड़की ने कन्वर्ट होने से मना कर दिया तो उसका गैंग रेप कर दिया गया लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अप्रैल 2019 रहमत अली ने एक दलित लड़की का बलात्कार कर दिया और उसके बाद दलितों ने विरोध किया। अब जब विरोध किया तो विरोध के विरोध में दलितों को बहुत मारा गया, पीटा गया और उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के सामने उनको नमन किया गया और उसके बाद मूर्ति को तोड़ दिया गया। ऐसे हजारों लाखों किस्से साल दर साल आते जाते हैं, मीडिया इस पर बात नहीं करती है। जय भीम जय मीम संसद में एक आधा बार कोई बोल देता है और दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद हो जाती है। चलिए अब रुख करते हैं इतिहास की ओर और बात करते हैं जय भीम जय मीम की या फिर दलित मुस्लिम एकता की। साल 1947 भारत से पाकिस्तान को अलग होना था और एक दलित नेता जिसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, उसने जिन्ना की बहुत हेल्प की थी पाकिस्तान को बनवाने में। जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों का बहुत बड़ा नेता था और बंगाल की साइड में उसका बहुत बड़ा वर्चस्व था। जिन्ना के एक इशारे पर वो कुछ भी कर जाता था और जोगेंद्र नाथ मंडल वो नेता था जो पाकिस्तान बनने के बाद पहले 5 मंत्रियों में उसका नाम शामिल था। उसको कानून मंत्रालय दिया गया था पाकिस्तान का। 3 जून 1947 सयल हेट असम का वो जिला जहां पर मुसलमान और हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो ऑलमोस्ट बराबर थी और वोटिंग से ये डिसाइड होना था कि सयल हेट भारत में रहेगा या पाकिस्तान में। और ऐसे में जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को कहा कि आप सयल हेट में जाइए और सयल हेट में जाके जोगेंद्र नाथ मंडल ने दलितों को कहा कि आप पाकिस्तान के फेवर में वोट डालिए। दलितों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला इसके कहने पर और उसके बाद पाकिस्तान में मिल गया सयल हेट। अब पाकिस्तान बन गया था, मंडल को कानून मंत्रालय मिल चुका था, मंडल मंत्री पद से खुश था मगर उसके सामने दलितों को मारा जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, स्त्री जमीन घर लूटे जा रहे थे और मंडल चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे थे मगर पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो इन चिट्ठियों को इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे थे। हिंदुओं की हत्या तो नहीं रुकी, स्त्रियों के बलात्कार भी नहीं रुके मगर मंडल को 2 मंत्री पद और मिल गए। मंडल इस बात से खुश तो थे मगर हिंदुओं की हालत देख कर दुखी भी बहुत थे। फिर 1950 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो और पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वो वापस भारत में लौट आए और गुमनामी में अपना पूरा जीवन यापन कर दिया। मगर उन हिंदुओं का क्या, उन दलितों का क्या जो जोगिंद्रनाथ मंडल के कहने पर पाकिस्तान में गए, बांग्लादेश में गए, आज भी वो
प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो जी बस कुछ यही है जय भीम जय भीम का सच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए, patreon.com पर हमें मदद कीजिए या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट में दिए गए हैं। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ज्यादा खबर। जय हिंद जय भारत।